डायबिटीज़ आज के टाइम में हर घर की बीमारी बन चुकी है। यदि मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाती है तो शुगर ज़्यादा लेने के साथ साथ इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। जब शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज़ की बीमारी बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन को पैदा करता है और जब पैनक्रियाज सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाता तो इंसुलिन की कमी हो जाती है और इसी कारण से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तो आज एक घरेलू उपाय आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद तरीके से काम करने वाला नुस्खा लेकर आए हैं, जो कि बहुत कम चीज़ों का प्रयोग करके हम इसे बनाएंगे। और हम जिन चीज़ों का प्रयोग इस नुस्खे में करेंगे वो बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली सभी हेल्थ से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पाते रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी। कलौंजी के बारे में एक बड़ी कहावत मशहूर है, इसके अंदर मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। कलौंजी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करती है। कलौंजी के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप 2 डायबिटीज के लिए फायदेमंद है। इसके अंदर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ आयरन भी पाया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट को दिल की बीमारियों का खतरा सबसे अधिक होता है और इसके कारण ही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। कलौंजी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए यह डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें इस्तेमाल करनी है जिंजर यानी अदरक। अदरक यानी जिंजर शरीर में इंसुलिन को ठीक करता है। हमारे शरीर के अंदर अदरक ऐसे एंजाइमों को रोकता है जो पूरे कार्बोज के मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। अदरक डायबिटीज को कम करने के लिए बेहद फायदेमंद है। सबसे पहले अदरक को साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और अब एक पैन में एक गिलास पानी डालिए और एक चम्मच कलौंजी डालकर इसके अंदर छोटे छोटे अदरक के पीस डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप पानी का प्रयोग नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट इस काढ़े को उबालें और फिर छान कर इसका सेवन करें। दोस्तों, ये मधुमेह के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके प्रयोग से आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा ये और बॉडी के अंदर बनने वाले डायबिटीज़ को कम करने में बहुत मददगार होगा। इस नुस्खे का प्रयोग आप सुबह में खाली पेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी बस यहीं तक। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबाइए हमारा मोटिवेशन अप करने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आप आने वाली हेल्थ से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। धन्यवाद।